कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। अमेठी के थाना पीपरपुर में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। वहीं इस दौरान शक के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश करने पर उसके पास से एक तमंचा समेत कई अन्य सामान बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। सहारनपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और SP-BSP गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद पर हमला बोलते हुए कहा कि वह मसूद अजहर के दामाद हैं, जो मसूद अजहर की भाषा बोलते हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी बताया कि कांग्रेस के 55 साल के कार्यकाल से ज्यादा विकास पीएम मोदी के 5 साल के कार्यकाल में हुआ है, तो अब जनता को निर्णय लेना है कि वो वोट किसे करना चाहती है। मैनपुरी के थाना करहल में एक विवाहित के बच्चा पैदा न होने पर ससुराल वालों ने युवती को मौत के घाट उतार दिया। वहीं लड़की के परिजनों द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ के थाना कृष्णनगर में एक महिला के बैग में कटा सिर मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल कुछ अज्ञात लोगों ने एक महिला की हत्या कर उसे कई टुकड़ों में कर दिया और घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये आज सूचना थाने पर प्राप्त हुई कि ऐसे ऐसे एक गोरे में दरी में ये है, कुछ पार्ट्स हैं, वो है, उससे बदबू आ रही है। तो सूचना पर ये हमारे इंस्पेक्टर के रणजीत हैं, इनके द्वारा देखा गया जाकर वहाँ पर मौके पर, तो ये धड़ है। और कल का जो बॉडी मिली थी उसमें से ये मिसिंग था, तो संभवतः उसी बॉडी का पार्ट है। अब हम लोग इसका पोस्टमार्टम अभी करवा रहे हैं और पंचायतनामा भरवा रहे हैं और उसके पश्चात हमारी कुछ टीमें अभी लगी हैं वहाँ मौके पर और बहुत जल्दी हम उसके करीब पहुँचने की इच्छुक हैं। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सर्वे ओपिनियन पोल करवाया, जिससे गठबंधन करने में काफी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाता है तो दिल्ली की 7 सीटें गठबंधन के खाते में आ जाएंगी, जिससे भाजपा पार्टी को हराने में काफी मदद मिलेगी। वहीं इस मौके पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित समेत कई दिग्गज नेताओं ने भी शिरकत की। चंडीगढ़ एयरवेज पर एक इंडक्शन समारोह में अमेरिका के हेवीलिफ्ट चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। इस समारोह के दौरान वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीसा धनोआ भी मौजूद रहे। उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना पर तंज कसते हुए कहा कि पाक वायुसेना अध्यक्ष फाइटर जेट में भी पायलट के पीछे बैठते हैं। मैनपुरी के करहल में देर रात एक रोडवेज बस के अचानक डिवाइडर से टकरा जाने से बस में भीषण आग लग गई, जिसमें सवार यात्रियों में से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आजमगढ़ के थाना बिलरियागंज में 23 फरवरी को कुछ बदमाशों ने एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया और घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी पीड़िता द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान पीड़िता के न्याय की गुहार लगाने पर पुलिस अधीक्षक ने मामले पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी के फरार चल रहे आरोपियों की तलाश जारी है। आजमगढ़ के थाना त्रौलिया में पति के द्वारा वैध असलहे को साफ करने के दौरान गलती से फायरिंग हो गई, जिसमें अचानक पत्नी को गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।